वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश का क्विज़ सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इजी वाले से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि करीबन 8 मंथ बाद मैं खुद इंग्लिश के क्विजेज लगाने जा रही हूं। आज संडे है तो मुझे लगा कि क्यों ना एक मैं भी अपनी परफॉर्मेंस का टेस्ट कर लूं कि आखिरकार 8 मंथ बाद, 8-9 मंथ से मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई की, तो 8-9 मंथ बाद मेरी परफॉर्मेंस किस लेवल पर आके रुकी हुई है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार लाइव टेस्ट देती हूँ और उसको रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट होगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन को, इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको सॉल्व करना है, इसका मैं एक आपको आइडिया दे दूँगी। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ IBPS कलर से, है ना। और मैंने ओली बोर्ड का इसलिए लिया क्योंकि ओली बोर्ड का मॉडरेट रहता है, ना तो ईजी ना तो टफ, तो इस वजह से मैंने मॉडरेट वाला चूज किया। तो IBPS कलर प्रीलिम्स मॉक नंबर 1 में लगाने जा रही हूँ और मैं बस इंग्लिश का ही लगाऊंगी कि इंग्लिश में मुझे 30 में कितने नंबर आते हैं, ये मुझे अपने आप को देखना है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। 30 स्टार्ट टेस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो आया फिल इन द ब्लैंक्स का, है ना, मतलब वन वन फिलर का आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट हो ना, तो इस ऐसे क्वेश्चन हमारे जो होते हैं स्कोरिंग होते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है, ठीक है। इन द गिवन सेंटेंस ब्लैंक इज गिवन, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द गिवन, ठीक है, समथिंग इज मिसिंग। व्हेन आई एट द प्रिंस एकेडमी आई वॉज लेड इन टू एंड डिमली लिट टी रूम। वेन आई, आई मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, आई वॉज है ना, तो पास्ट की बात हो रही है। अराइव्स तो होगा नहीं, लिव होगा नहीं, डिसअपियर्ड होगा नहीं, डिपार्टेड होगा नहीं, अराइव्ड होगा, ठीक, कॉमन सेंस की बात है। द वर्ल्ड मोस्ट कार्डिगन इज लॉक्ड इन अ गन सेफ इन, अच्छा मोस्ट कार्डिगन, वर्ल्ड मोस्ट कार्डिगन इज लॉक्ड इन अ गन, यानी कि गन में उन्हें लॉक किया गया, गन सेफ में लॉक किया गया, यानी कि एक्सपेंसिव होगा तभी तो होगा ना, तो चिप तो होगा नहीं, लेविसली वर्थलेस एक्सपेंसिव, ठीक है। पेरी एलिस नो लॉन्गर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज किसको, हु वर्कड एट महात्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग, महात्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग डैट एरा, अच्छा किसी को एम्प्लॉयज नहीं करती किसी को, यानी कि एवरी वर्ड दिस एनीथिंग नथिंग इज तो होगा नहीं, एनी वन, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क इज वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर टाइगर ऑफ इंडिया, अच्छा सप्लाईज तो होगा नहीं क्योंकि कीप होगा नहीं, स्टॉक होना है। मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और सी में रिजर्व्स या होगा या फिर पार्क होगा, तो मैं यहाँ पे ग्रामर का यूज़ करूँगी। वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर, वन ऑफ के बाद आपको पता है कि नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे बी सी में कौन सा प्लूरल है, बी प्लूरल है, ठीक है। ओवर द पास्ट मंथ रसिया है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग इट्स बॉर्डर, बॉर्डर मतलब रसिया ने किया है, तो किसने, पैरलर विथ बिटवीन, बिटवीन तो होगा नहीं क्योंकि दो की बात होनी है, ऑन ऑन इक्रोन तो होगा नहीं, इनसाइड इनसाइड नहीं होगा, पैरलर होगा नहीं, विथ होगा, कॉमन सेंस। ही वॉज एन ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं SBI कलर प्रीलिम्स में, IBPS कलर प्रीलिम्स में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ही वॉज एन एवरेज आर्टिस्ट नॉर, अच्छा यहाँ पे तो देखते ही मुझे लग गया कि नॉर है, नॉर यानी कि नाइदर का पड़ोसी, ये तो कॉमन सेंस बना। अब मुझे मिला पैसेज, पैसेज को मैं स्किप करूँगी, पैसेज को मैं स्किप करूँगी, इसके बाद हाँ पैसेज को मैं स्किप करूँगी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस विद फोर वर्ड, अच्छा आपको जो आपका ये इंस्ट्रक्शन होता है ना उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, इसको छोड़ना। वन ऑफ दिस वर्ड मे बी आइदर रॉन्गली स्पेल्ड और इन अपरेट इन द कंस्ट्रक्शन, अच्छा रॉन्गली स्पेल्ड है या इन अप्रोप्रिएट है। द स्टडीज हैव प्रूवन डैट योगा एंड आयुर्वेदा आर इंडीड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मेडिसिन पर, स्टडीज है प्रूवन डैट योगा एंड आयुर्वेदा आर इंडीड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन पर, अच्छा इंडीड INDED होता है ना, ठीक है। इवन ऑल दी फ्रेग्रेंट परफ्यूम, अच्छा ये तो देखने ही से पता चल गया, परफ्यूम PERFUME से होता है, फिर भी एक्सेप्ट साइड के लिए आगे पढ़ते हैं। परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट वाइफ अप द स्टेंच ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप्स टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर मतलब पानी ही पानी सब जगह, एवरीवेयर AEBERY बट नॉट अ ड्रॉप्स, अच्छा यहाँ पे मिल गया, नॉट अ क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या होगा, सिंगुलर होगा ना, ड्रॉप्स नहीं होगा, ड्रॉप। ही वॉज वेरी नर्वस अबाउट द एग्जाम, नर्वस ही वॉज वेरी नर्वस अबाउट, दो चीज में देखना है कि ग्रामेटिकल एरर है और स्पेलिंग एरर है। ही वॉज वेरी नर्वस अबाउट द एग्जाम एंड डिड नॉट ईट, अच्छा कितना ईजी है, ईट ईट ईट,
बीरबल वाज द मोस्ट, द मोस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, तो द तो लगेगा ही मोस्ट के आगे, प्राइड पोसेशन ऑफ एम्पेरर अकबर अमंग। अच्छा देखो कितना जी ए एम ओ एन, ये तो एकदम ईजी है। इन द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है। अच्छा एक द वर्ड्स ही स्पोक ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन व्हाट एट वेरियंस टू द फैक्ट दैट वी नो, द वर्ड्स ही स्पोक पास्ट की बात हो रही है, जो वर्ड्स उसने बोला ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन, ये ठीक है। वर एट वर्ड, वर इसलिए लगा कि वर्ड्स है ठीक है। वर एट वेरियंस टू, वेरियंस वेरियंस टू होगा या वेरियंस विथ होगा, वेरियंस टू द फैक्ट्स दैट वी नो, वेरियंस वेरी टू, वेरी विथ, वेरी विथ, वेरी विथ या फिर वेरी टू, वेरियंस टू, वेरी वेरी वन, वेरी फ्रॉम वन, वेरियंस टू ठीक है, वेरियंस विथ, वेरियंस फ्रॉम, वेरियंस टू द फैक्ट दैट वी न्यू, वेरियंस टू ठीक है। प्रीपोजिशन में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा मैं 50-50 यहाँ पे लेना चाहूँगी। द फॉर्चून ड्यूरिंग द वर एट वेरियंस टू, वेरियंस, अच्छा इसको मैं छोड़ूंगी। आई प्रपोज डैट मिस्टर हजरस बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड। अच्छा अपॉइंटेड के बाद एज लगता है या फिर नहीं लगता है, अभी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। आई प्रपोज दैट दैट मिस्टर हरिजन टू बी अपॉइंटेड होगा क्या, ठीक है नहीं समझ में आ रहा है। इन द क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अभी तक एरर का ही चला है। वी विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द टेरेस, हाउ टेरेस आवर हाउस टू, अच्छा ये थोड़ा और नहीं लग रहा है, टेरेस आवर हाउस टू ये ही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ही हो गया, बट ऑल्सो मतलब भी, तो फिर टू लगाने की क्या जरूरत है। When Nikhil got to know about her, he inquired from, अच्छा inquired about, ये तो मुझे confirm पता है कि inquired about होता है preposition, from तो होता नहीं। I and she have been invited to the opening ceremony of new boutique. I and she have been invited to the opening ceremony of new boutique. Have been invited to the opening, to the opening of the of her new boutique. ये तो I and she. अच्छा यहाँ पे होता है ना कि she and I, she and I होना चाहिए कि second person fit first person. ठीक है. In the sentence has been broken into four parts and parts. जब मतलब choose the option which part the correct. अच्छा ये ऐसा question मेरा favorite है rearrange करने वाला. ये जो चार part में ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं ठीक है। तो पढ़ते हैं, सम पीपुल डिफाइंस गोल्स, गोल्स इन टर्म्स ऑफ, ए से होगा नहीं, से ये से होगा नहीं, सम पीपुल डिफाइन, सम सम से स्टार्ट होगा, सी से कौन कौन है, सी से बी और डी ऑप्शन है, बी और डी में सम पीपुल डिफाइंस लाइफ गोल इन टर्म्स ऑफ, लाइफ गोल्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट वाइल अदर्स वुड सेव दैट that से दे वांट हैप्पीनेस। सम पीपुल डिफाइंस लाइफ गोल्स इन टर्म्स ऑफ, ये सी ए होना चाहिए, सी ए, सी डी, सी डी, सम पीपुल्स डिफाइंस लाइफ मेटेरियलिस्टिक, ना सी ए होना चाहिए ठीक है। रैम्पेंट, रैम्पेंट इन एवरी स्पेयर, रैम्पेंट से नाउ ए डेज वी फाइंड, ये हो सकता है लाइफ, ये नहीं हो, इवन द एजुकेशन, ये भी हो सकता है, बी डी से स्टार्ट हो सकता है, इवन इन एजुकेशन, इवन यानी कि भी इन, इवन से भी नहीं स्टार्ट, नाउ ए डेज वी फाइंड द लैक, भी इससे क्यों स्टार्ट होगा, जब कुछ होगा तभी तो इवन लगाएंगे ना। नाउ ए डेज वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन, नाउ बी से कौन कौन से हैं, बी से सारे हैं। नाउ अ डेज वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन इवन इन, इवन इन, नाउ वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन ठीक है, इवन इन एजुकेशन, इवन, इवन लाइफ, लाइफ बी इट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इवन, अच्छा सी डी, सी डी एक एक बन रहा है ना, सी डी देखते हैं कहाँ कहाँ है, सी डी ऑप्शन नंबर बी में है ठीक है। तो नाउ इट इज़ यू फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन रैम्पेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ बी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इवन इन हार्ट ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद वी सेलिब्रेटेड देम विथ जॉय है ना, वेन वी ट्रांजिट दैट अगर वेन वी ऑब्जर्व द वेनस, अच्छा तो यहाँ से डी से हो सकता है और बी से स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ से डी से मैं देखती हूँ, डी डी डी, बी से तो कोई है नहीं ऑप्शन में है ना, तो डी से ही है, तो ए बी ही ऑप्शन है। तो वेन वी ऑब्जर्व द वेनस, वेनस 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 दैट अकर्ड इन दैट वेनस वी सेलिब्रेटेड, तो डी के बाद तो बी आएगा नहीं किसी भी हालत में, तो डी के बाद सी आई है, वेन वी ऑब्जर्व द वेनस ट्रांजिस्ट, अच्छा यहाँ पे ठीक है ट्रांजिस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वेनस है, वेनस के अकॉर्डिंग आपका ट्रांजिस्ट है, तो डी है ट्रांजिस्ट, रेयर कॉस्मिक इवेंट्स डैट अकर्ड इन वी सेलिब्रेट, ठीक है ये सही होना चाहिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस विद थ्री वर्ड्स मार्क थ्री दीज वर्ड, इतना ही स्पीड से आपको पढ़ना है, दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी फ्लैश, ठीक है
है, कलेक्ट प्लेस पे लगाना है इसको, ठीक है। मार्क द ऑप्शन विद द करेंट इफ नो चेंज, ठीक है। कॉज मुझे इतना जल्दी क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस सब की चीज़ों की प्रैक्टिस की है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। कॉज इन लिविंग स्टैंडर्ड एबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन कुड इम्प्रूवमेंट एपिडेमिक सच एज क्लोडिया एंड प्लेग स्टॉल बाई बैक्टीरिया। अच्छा, एंड प्लेग कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, ये तो समझ में आ गया कि कॉज है मतलब कारण, कारण यानी कि बाई बैक्टीरिया। तो ये तो लास्ट में होगा, ये तो कन्फर्म है, एक इसमें है लास्ट में, ए और सी में, ठीक है ठीक है। बी डी को हटाते हैं, अब आते हैं तो यहाँ पे क्या स्टॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड ना, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड में तो इम्प्रूवमेंट ही होगा ना, यानी कि बी से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा ए से, तो बी से स्टार्ट होगा ख़त्म होगा यहाँ पे। द व्हाट्सएप सैकी ग्रीन आइकन विच होल्ड्स ए प्राइड ऑफ अ फेम। अच्छा, आइकन व्हाट्सएप का सैकी ग्रीन आइकन विच होल्ड्स ए प्राइड ऑफ अ फेम्ड ऑन स्मार्टफोन इसके ऑन अ प्लेस ऑन अ सेकी ग्राउंड ऑन अ फेम्ड ग्राउंड। नहीं, ये तो मुझे समझ में, हिंदी ही समझ में नहीं आई इसकी। मैनी अ थिंग, जब समझ में नहीं आए तो तुरंत हटना उसको। मैनी अ थिंग विच टूडे इन ह्यूमन इमेजिन नॉट सो लॉन्ग एगो इज ओनली ए पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। मैनी ए थिंग विच एग्जिस्टेड टूडे इन ह्यूमन इमेजिनेशन नॉट सो लॉन्ग अगो इज ओनली ए पार्ट ऑफ आवर डे। अच्छा, तो यहाँ पे तो चेंज कुछ दिख नहीं रहा है। मैनी ए थिंग विच ओनली टूडे नहीं, विच आवर टू ना, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ख़त्म हो गया क्या जी? अच्छा, यहाँ पे सारे मैंने शायद बना लिए हैं 29 इन द फॉलोइंग, ये बना के देखते हैं। द व्हाट्सएप सैकी ग्रीन आइकन विच, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका हिंदी। तो अंड अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बहुत है, तो 10 मिनट 9 बचे हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा अब पैसेज आया ना, तो पैसेज में देखना है कि कौन सा पहले करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर वन, ब्लैंक नंबर वन कहाँ पे पहले ढूंढेंगे कि बनाने लायक है कि नहीं। इंडीड आई विल इंसर्ट द, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो इसको अभी स्किप करेंगे। विच पैराग्राफ द पैसेज टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर ऑन बर्ड्स, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द ट्री दैट प्रोटेक्ट द फ्रॉम द नॉर्थ वन, ये भी पढ़ना पड़ेगा। वाई डिड नॉट मेंट फ्लाई साउथ, ये भी अपोजिट मीनिंग ऑफ हार्स, हार्स ये पढ़ सकते हैं। तो जब आपको एंटी साइनो मिले ना, तो आप बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े बना सकते हो। गॉड वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड दस ही डिसाइडेड टू मेक द लिप्स ऑफ द स्प्रूस द पाइन एंड द जूनिपर टर्न टू एवरग्रीन डैट वुड सर्वाइव इवन इन हार्श विंटर एंड स्टॉर्म। हार्श विंटर मतलब कठोर विंटर है ना, तो अपोजिट पूछ रहा है ना, तो सेवरे हार्श ही होता है, हार्ड प्लीजेंट क्रूअल मर्सीलेस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत ईजी ऑप्शन थे। फाइंड द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, द बर्च इज नॉट वेरी स्ट्रांग डैट इज अ लॉन्ग वे, आई एम बिग एंड स्ट्रांग, आई इज वेरी कुल्ड, आई इज वेरी कुल्ड कोई सेंस नहीं बना रहा है। इन द फॉलोइंग इन गिवन बिलो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में इवन, अच्छा द वर्ड्स ही स्पोक, ये तो वेरियंस, ये तो मैंने छोड़ा था, तो जो जिसमें कन्फ्यूजन है उसको छोड़ देने हैं। इन द क्वेश्चन आई प्रपोज दैट, मैंने ठीक है इसको भी छोड़ना है अभी, और ये भी मैंने छोड़ा था, ठीक है। अनअटेम्प्टेड सेलेक्ट द, अब पढ़ लेते हैं अपना पैसेज है ना। विंटर वॉज कमिंग एंड द बर्ड्स हैड फ्लोन फार टू द साउथ, यानी कि साउथ की तरफ गए थे। वेयर द एयर वॉज वार्म एंड दे कुड फाइंड बैरिज टू, अच्छा साउथ गई ताकि मतलब एयर वॉज वार्म थे और बैरिज खाने। वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट फ्लाई विद द अदर, इट वॉज अलोंग इन द कोल्ड। अच्छा, पैसेज पढ़ के ये लगा कि अगर मैं पूरा पढ़ जाऊँ तो कहानी मुझे समझ में आ जाएगी, कहानी रिलेटेड है, तो मैं वन वे में एक ही गो में सारा पढ़ लूँगी। जिनको एडिटोरियल पढ़ने की आदत होगी वो अच्छे से समझ जाएंगे। वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट फ्लाई विद द अदर, इट वॉज अलोन इन द कोल्ड वाटर, द फॉरेस्ट लुक्ड वार्म एंड इट मेड इट्स वेरी ट्री। फर्स्ट इट केम टू द बर्ड्स ट्री, ब्यूटीफुल बर्ड्स ट्री इट सेड, माई विंग्स इज बीन एंड एंड माई फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे, मे आई लिव अमंग योर ब्रांचेस टिल दे। अच्छा, बर्च ट्री का मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी पेड़ का नाम है बर्च ट्री, ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा सोचना नहीं एग्जाम में। नो इंडीड आंसर द बर्च ट्री, ड्रॉइंग हर फेयर ग्रीन लिप्स अवे। अच्छा, वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर मोर्स टू हेल्प, आई कैन डू नथिंग फॉर यू, द बर्च इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सेड द लिटिल बर्ड टू स्टे एंड इट माइट बी दैट सी कुड नॉट होल्ड मी इजली, आई विल ask the oak, so the oak का भी मुझे नहीं पता। So the world said, great oak tree, you are so strong, will you not let me live on your
बॉग टिल माई फ्रेंड्स कम बैक इन द स्प्रिंग टाइम इन द स्क्रीम क्राई द ओक दैट इज अ लॉन्ग वे हाउ डू आई नो वट यू माई डू इन दैट टाइम बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू इट एंड यू माइट हैव इट ऑफ माई एकॉर्स द पुअर लिटिल बर्ड डिड नॉट नो वट टू डू इट्स विंग वॉज नॉट एट ए स्ट्रॉन्ग बट इट बिगेन टू फ्लाई ऑलवेज एज इट गोट बिफोर इट हैड गॉन सो ए वॉइस वॉज हियर लिटिल बर्ड इट सेड वेन यू आर गोइंग अच्छा ठीक है इन डिड आई डू नॉट नो एंसर द बर्ड सैडली आई एम वेरी गुड मुझे पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है दो पैराग्राफ की क्या बोला गया है क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा हैबिट बना ली थी पढ़ाई मतलब पढ़ पढ़ के एडिटोरियल कम राइट हियर ऐसे आते हैं ना पैसेज तो इसमें स्कोर करना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट द फ्रेंडली स्प्रूस ट्री इसमें एक भी एरर नहीं करना है यू शैल लिव ऑन माई वार्म एंड ब्राइट ऑल विंटर इफ यू विल यू रियली लेट मी आस्क द इन डेट आई विल एंसर द विल यू रियली लेट मी आस्क द लिटिल बर्ड ईगली इन डी आई विल एंसर द अच्छा उसने बोला रहने के लिए यानी कि यहाँ पे हार्ट जो होगा उसका काइंड होगा दयालु होगा तभी ना तो यहाँ पे एक आया था ना कि फील इन द ब्लॉक रूड क्रूएल काइंड काइंड ही होगा क्योंकि काइंड था तभी तो उसने बुलाया ठीक है पैराग्राफ वन बन गया इफ़ योर फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे इट इज़ टाइम फॉर द ट्रीज टू हेल्प यू हेयर इज द ब्रांच वेयर माई लीव्स आर थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी थिक सेट द फ्रेंडली पाइन ट्री बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन कीप द नॉर्थ वाइंड फ्रॉम यू एंड द स्प्रूस आई कैन हेल्प यू सेट अ लिटिल जूनिपर ट्री आई कैन गिव यू बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग अच्छा दो तीन ट्री का यहाँ पे नाम लिया गया है किसी ट्रीज ने कुछ बोला किसी ट्रीज ने कुछ बोला है उसको हेल्प करने के लिए सो द स्प्रूस गिव द लोनली लिटिल गर्ल एट ठीक है एंड द पाइन केप द कोल्ड नॉर्थ वाइंड अवे अच्छा ठीक है गॉड वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड ठीक है अब पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में जितना मैंने पढ़ा उसमें से कुछ आ रहा है विच पार्ट ऑफ द पैसेज टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड ईटिंग अप ऑल द एकॉर्न्स ऑफ द ओक ट्री अच्छा ओक ट्री के बारे में क्या बात हुई थी सेकंड पैराग्राफ में ना ठीक है तो यहाँ पे किस पैराग्राफ की बात हो रही है सेकंड क्यों क्योंकि ओक ट्री के पास वो सेकंड पैराग्राफ में गया था तो सेकंड ही की बात होगी ना एक बार मैं मिला लेती हूँ एक दो ठीक है यहाँ पे ओक ट्री आ गया कहाँ आया है वी ऑफ द इसे मैंने ओक ओक हाँ ठीक है वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट फायबारमेंट टू हेल्प ये अच्छा ये तो सेकेंड ही पैराग्राफ में बोला था किसने बोला था बर्ड ट्री ने बोला था कि हम लोग के पास बहुत सारा खुद का है तो किसने बोला दिस वर्ड्स वर शेड बाई दिस वर्ड द बर्ड ट्री ठीक है आउट ऑफ द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फाइव ट्रीज हुज लिप्स डिड गॉड गॉड के बारे में मैंने कहाँ पढ़ा था भगवान मैंने लास्ट में पढ़ा था गॉड वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड दस ही डिसाइडेड टू मेक द लिप्स ऑफ द स्प्रूस द पाइन आउट ऑफ द नेम ऑफ द फॉलोइंग फाइव ट्रीज पाँच पेड़ों के नाम हुज लिप्स डिड गॉड ब्लेस टू बिकम एवरग्रीन अच्छा डिसाइड मेक द लिप्स ऑफ द स्प्रूस द पाइन एंड द जूनिपर टर्न टू एवर अच्छा स्प्रूस पाइन और जूनिपर जूनिपर स्प्रूस जूनिपर ठीक है थर्ड विच ऑफ द विच इज द ट्री दैट प्रोटेक्टेड द बर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वाइंड मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में तो भगा दिया था उसको थर्ड में ही किसी ने तीन पेड़ों में से किसी ने बोला था इफ योर फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे इट इज टाइम फॉर द ट्रीज टू हेल्प यू हियर द ब्रांचेज वेयर माई लिप्स आर थिक माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी थिक शेप द फ्रेंडली पाइन ट्री बट आई एम वीक एंड स्ट्रॉन्ग आई कैन कीप द नॉर्थ वाइंड फ्रॉम यू किसने बोला था सेट द फ्रेंडली पाइन ट्री और नॉर्थ वाइंड पाइन ट्री ठीक है वाई डिड ऑल बर्ड फ्लाई टू द साउथ यहाँ पे आया था ना सबसे पहला पैराग्राफ में विंटर वॉज कमिंग एंड द बर्ड्स हैड फ्लोन फार टू द साउथ वेयर द एयर वॉज वार्म एंड दे कुड फाइंड बेरीज टू इट बेरीज टू फाइंड पेंगुइन टू फ्लाई मोर देन द टू गेट वार्म एंड टू एंजॉय द कोल्ड टू फाइंड पेंगुइन एंड टू फ्लाई टू गेट वार्म एंड फूड ये वाला ऑप्शन होगा ठीक है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर फाइंड आउट विच ऑफ द वर्ड्स ही स्पोक ड्यूरिंग आवर पंजीशन वर्ड एट वेरियंस टू अच्छा एक में बाकी मैंने जितने बनाए उतने में मैं श्योर हूँ कि कितने कौन से मतलब तीन बचा है ना 27 में मैं 25 श्योर हूँ 25-26 बाकी एक में यहाँ पे मैं श्योर हूँ तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं ये कर दूँगी क्या करूँगी यहाँ पे मैं वेरियंस टू यहाँ पे एक तुक्का लगाऊंगी ठीक है एक मात्र एक बाकी इसमें देखती हूँ आई प्रपोज डेट मिस्टर हसन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है ठीक है
ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूँगी। मेरे पास अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, मैं इसको सबमिट करूँगी। मैं ज़्यादा तुक्के नहीं मारूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने बनाए 28, 28 में से 2 रॉन्ग हो गए और 26 करेक्ट हो गए। ठीक है, 26 करेक्ट हो गए, तो मैं देखती हूँ कि कितने। अच्छा, 8 महीने बाद मैंने किया, फिर भी अच्छे खासे स्कोर आए, तो अच्छा लग रहा है मुझे। इन द फॉलोइंग रॉन्ग इंडीड, अच्छा ऑल आर करेक्ट। इंडीड का स्पेलिंग मैंने गलती किया था, INDEED ये सही है, मुझे लगा INDEAD होता है। ठीक है ठीक है, इसके बाद और कौन सा था, डोर्स टू डोर्स। ओ हो, डोर्स टू डोर्स इसलिए होता है कि जब 2 नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं ना, तो वो सिंगुलर होते हैं। ये मेरे दिमाग से उतर गया, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मेरे गलत हो गए, बाकी 8 मंथ बाद अच्छे खासे स्कोर आए मेरे। चलो गए, जैसे ही आपको भी करना है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आपको करना होता है। 25-26 नंबर आपके इंग्लिश में अगर आ जाते हैं ना, और बाकी में भी आप लाओ, 25 नंबर यहाँ लाओ, 30 नंबर, 32 नंबर आप रीजनिंग में लाओ, तो हुए ना 30 और 50, 55, 55 और 25 लाओ तुम क्वांट में, 25 और कितने हुए यार, 30, 30 और 55, 55 60, 70, 80, 80 नंबर आए ना, 80 नंबर में कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही लोगे प्रीलिम्स के। तो ऐसे ही करने होते हैं, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन इंग्लिश के ऐसे ही आते हैं, इजी आते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस मैटर करता है प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।